दोस्तों टेक की दुनिया में एंटर करने के लिए सब्सक्राइब करें सोफिन टेक चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है, जिससे सभी देशवासी काफ़ी खुश हैं क्योंकि जिसे अब कोई भी प्रॉब्लम खाने की किसी और चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम थी वो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। हर काम धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है जिससे सभी देशवासी खुश हैं। मगर दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,929 न्यू केस होने की वजह से मरीजों की संख्या 3,20,922 हो चुकी है, जिनमें से 311 न्यू डेथ केस होने की वजह से टोटल मरने वालों की संख्या 9,195 तक पहुँच चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से सरकार चिंता में, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 16-17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की है। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर बात चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया में बहुत से मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 18 जून से लॉकडाउन लगने जा रहा है और इसे देश में पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। मगर PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल हो रहे मैसेज को लेकर फैक्ट्स चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये सभी मैसेज फेक हैं, यानी गलत हैं, इन पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और इस तरह के मैसेज से बचने की सलाह भी दी है। कुछ दिनों पहले एक और मैसेज वायरल हो रहा था कि 15 जून से देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस मैसेज को लेकर भी PIB ने फैक्ट्स चेक किए तो ये मैसेज भी फेक निकला। दोस्तों इस तरह के फेक न्यूज़ से बचें और सच जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सोफिन टेक चैनल को और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि देश में 18 तारीख से क्या सच में लॉकडाउन लागू होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।